प्रिय पाठकों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रति कतिशय सर्ग को लेकर प्रस्तुत हुआ। तो पाठ की ओर अग्रसर होने से पहले रश्मि रति के बारे में कुछ तथ्य को जान लेते हैं। रश्मि रति, जिसका अर्थ सूर्य किरण रूपी पथ पर सवार है, इस खंड काव्य की रचना हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। रश्मि रथी महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन और चरित्र पर रचा गया खंड काव्य है, जिसमें उनके जीवन से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाएं सम्मिलित की गई है। यह 1952 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 7 सर्ग हैं। कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का सजीव चित्रण इन सर्गों में किया गया है। प्रथम सर्ग में कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का चित्रण है। दूसरे सर्ग में कर्ण की गुरु भक्ति और परशुराम का श्राप के बारे में लिखा। तीसरे सर्ग में श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव और कर्ण को उसके अस्तित्व का ज्ञान कराना है। चौथे सर्ग में देवराज इंद्र का कर्ण से वचन कवच कुंडल का दान मांगना और बदले में कर्ण को अभेद शक्ति देना है। पांचवें सर्ग में कर्ण और कुंती का विलाप है। छठे सर्ग में भीष्म पितामह के बाणों की सैया पर लेटने के पश्चात कर्ण का भीष्म से आशीर्वाद मांगना है एवं सातवां एवं अंतिम सर्ग में कर्ण का वध के बारे में कहा गया है। तो आइए रश्मि रथी के तीसरे सर्ग की ओर बढ़ते हैं। रश्मि रथी के इस सर्ग को मैंने अध्ययन की सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त किया है, ताकि यह वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो आइए उन 4 खंडों से प्रथम भाग की ओर हम बढ़ते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व के लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो आइए इन पंक्तियों के प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित खंड काव्य रश्मि रति के तृतीय सर्ग से उद्धृत है। शास्त्र के अनुसार जब कौरवों ने छल पूर्वक धुत क्रिया में पांडवों को हराकर उनकी सारी संपत्ति और राजपाट जीत लिया और 13 वर्ष का वनवास दिया, जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी शामिल था, और वह जब पांडव उस अज्ञातवास को पूरा करके हर्षपूर्वक वापस लौटे, तब वे पहले से अधिक शूरवीर बन चुके थे। इस महाभारत की घटना को चरितार्थ करते हुए इन पंक्तियों में दिनकर जी ने इस सत्य का उद्घाटन किया है कि विपत्ति कायरों को दहला देती है, अर्थात विपत्ति के समय कायर डर से मैदान छोड़कर भाग जाते हैं और सूरवीर अर्थात साहसी विपत्ति रूपी आग में तपे सोने की भांति और भी निखर जाते हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में दिनकर जी लिखते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया था, अतः वे सब प्रसन्नता पूर्वक वन से लौट आए।
वन से लौटने पर उनकी वीरता कुछ इस तरह निखर उठी थी जैसे सोना आग में तपकर और भी चमकदार हो जाता है। उनकी नस नस में स्वस्थ रक्त का प्रवाह हो रहा था, अर्थात एक नया उत्साह उनके रग रग में दौड़ रहा था। कवि यहां आगे कहते हैं कि सच है, जब विपत्ति आती है तो वह कायर को तो दहला देती है, किंतु वीर पुरुष निष्पत्ति आने पर विचलित नहीं होते और वे अपना धैर्य क्षण भर के लिए भी नहीं खोते। वे सारे विघ्न बाधाओं को गले लगाते हैं, अर्थात सहन करते हुए विपत्ति में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ उपमा तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है एवं साथ ही सरल सहज प्रवाहपूर्ण हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आपड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरंतर नित रहते हैं। सूलों का मूल नशाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर हम बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने वीरों के लक्षण बताते हुए कहा है कि वे विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं, बल्कि उन विपत्तियों में रास्ता बना लेते हैं। कैसा भी समय हो, वे प्रलय के विरुद्ध प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ते। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहां कवि कहते हैं कि वीर वही है जो कैसा भी संकट आन पड़ने पर मुख से उफ तक नहीं करता और उस संकट का सामना करता है, तथा उसके आगे कभी नतमस्तक नहीं होता। जो कष्ट आन पड़े उसे सहन करते हैं और हर हाल में संकट से त्राण अर्थात छुटकारा पाने का उद्योग करते रहते हैं। कभी हाथ पर हाथ रखकर अर्थात विवश होकर वे नहीं बैठते। कभी आगे कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई विघ्न नहीं होता जो वीर पुरुष के समक्ष टिक सके। वे हर विघ्न बाधा से ताल ठोक कर लड़ने को तत्पर रहते हैं। ताल ठोक कर जब वीर व्यक्ति पर्वत को भी ठेलता है तो पर्वत भी जड़ से उखड़ जाते हैं, अर्थात वीर व्यक्ति पर्वत जैसी बाधाओं को भी अपने मार्ग से हटा देते हैं। कवि का मानना है कि वीर मनुष्य वही है जो अपनी ताकत अर्थात सामर्थ्य के बल पर पत्थर को भी पिघलाकर पानी बना दे। इन पंक्तों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहां अतिशोक्ति एवं लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। गुण बरे एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंह। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। विपत्ति सहकर ही व्यक्ति निखरता है, यह इस अवतरण के विभिन्न उदाहरण द्वारा सिद्ध किया गया है। तो आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। मानव के भीतर अपार क्षमता एवं अपार गुण निहित है जो विपत्ति में ही प्रकट होते हैं, जैसे
मेहंदी में लालिमा और बत्ती में प्रकाश छिपा है, किंतु वह तभी प्रकट होता है जब मेहंदी पीसी जाती है और बत्ती जलाई जाती है। जो बत्ती नहीं जलाएगा वह रोशनी प्राप्त नहीं कर सकता, और जो मेहंदी को नहीं पीसेगा वह लालिमा कैसे प्राप्त कर सकता है। गन्ना जब पेड़ा जाता है तभी उसमें से मीठे रस की धारा निकलती है, और मेहंदी जब पीसी जाती है तभी स्त्रियां उसे अपना श्रृंगार करती है। फूलों में जब छेद करके डोरा पिरो कर माला बनाई जाती है तभी वे गले का हार बनते हैं, अर्थात विपत्ति सहकर ही उत्कर्ष को प्राप्त किया जाता है। कवि ने यहां यही समझाने का प्रयास किया है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ उपमा अलंकार के साथ सरल सहज प्रवाहपूर्ण हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकोड़ते हैं पल पल, शतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। तो आइए इन पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने विघ्न बाधाओं के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। वही व्यक्ति यश पाता है जो विघ्न बाधाओं से डरता नहीं अपितु साहस उसका सामना करता है। तो चलिए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर नेतृत्व किसने किया, राज्यों को विजय किसने किया, अतुलित यश किसने प्राप्त किया, नया धर्म चलाने वाला कौन हुआ, वही जिसने कभी आराम नहीं किया और विपत्तियों में घबराया नहीं तथा विघ्न बाधाओं का डटकर सामना किया। कभी आगे की पंक्ति में कहते हैं कि जब व्यक्ति को विपत्तियां झेलनी पड़ती है तो वे उसे सोते से जगा देती है। उसके भीतर निहित तमाम गुण विपत्तियों में ही सामने आ वे तन मन दोनों को जगाने का काम करते हैं और हमें सन्मार्ग अर्थात सत्पथ की ओर प्रेरित करते हैं। विपत्ति किसी न किसी प्रकार हमें जागृत कर ही देते हैं। इस प्रकार इन पंक्तों पर हम विशेष की बात करें तो यहाँ मानवीकरण के साथ साथ पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है एवं साथ ही सहज सरल खड़ी बोली का भी प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, वर्षा अंधर आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं, कंकड़िया जिनकी सेज सुधर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। तो आइए इन पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि दिनकर ने यह बताया है कि वन में पांडवों को अनेक विघ्न बाधाएं झेलनी पड़ी थी। दुर्योधन ने लाक्षागृह बनवाकर उसे जला डालने का प्रयास भी किया, परंतु पांडव वीर थे अतः सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए कुशल लौट आए थे। तो चलिए पंक्तियों के प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। उपवन और अरण्य अर्थात जंगल एक समान नहीं होते, विश्राम स्थल और युद्ध स्थल एक समान नहीं होते। सच्चा वीर वही है जो वर्षा आंधी तूफान तीव्र गर्मी को सहन
करता हुआ अर्थात तमाम विपत्तियों को सामना करता हुआ अपने पौरुष के बल पर साधन एकमात्र करता रहता है। जंगल में फूल तो खिलते हैं पर बगीचों में साल अर्थात कीचड़ के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष उत्पन्न नहीं होते। दिनकर जी आगे के पंक्तियों में कहते हैं कि जिनकी सैया कंकड़ियों पर है और जिन्हें केवल आकाश की छाया ही नसीब होती है, जिन्हें विपत्तियां ही झेलनी पड़ती है और आंधियां ही जिन्हें माँ की तरह लोरी सुनाती है, ऐसे वीर ही यश प्राप्त करते हैं। दुर्योधन द्वारा बनवाए लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार देने की योजना बनाई गई थी, परंतु वे वीर अपनी वीरता से सकुशलता पूर्वक निकल आए। जो व्यक्ति विपत्ति सहन करना करता है वही अंत में यश भी प्राप्त करता है। पांडवों ने विपत्तियां सहकर ही यश प्राप्त करने का सौभाग्य पाया, यूं ही उन्हें यश नहीं मिल गया। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ सरल सहज प्रवाहपूर्ण हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। तो चलिए इन पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि नवयुवकों का आह्वान पांडवों के माध्यम से करते हुए कहते हैं कि तुम विघ्न बाधाओं से डरो मत, आपदाओं को सहकर पत्थर बन जाओ, निश्चय ही तुम्हारा सौभाग्य उदय होगा। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि दिनकर पांडवों के माध्यम से नवयुवकों एवं किशोरों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि तुम्हें विपत्तियों से घबराना नहीं है, अपितु उन विपत्तियों का आगे बढ़कर सामना कर उन्हें परास्त करना है। कवि यहां पांडवों से कहते हैं कि जीवन के माधुरी को तुम बिखर जाने दो, तभी तुम्हारा शरीर पत्थर जैसा मजबूत बनेगा। तुम सबके भीतर तेज अर्थात दिव्य शक्ति व्याप्त है, इसीलिए यह विपत्ति रूपी छोटी सी चिंगारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दिनकर जी आगे पंक्तियों में कहते हैं कि तुमने वर्षों तक वन में घूमते हुए विघ्न बाधाओं का सामना किया है, वर्षों तक तुम सभी पांडव सुख से दूर रहकर धूप गर्मी सर्दी वर्षा को सहन करते रहे और अंततः सभी तरह से तुम निखर आए। व्यक्ति का सौभाग्य सदा के लिए नहीं सो जाता, बस कुछ दिन दुर्भाग्य रहता है और फिर सौभाग्य अवश्य जागता। कवि आगे कहते हैं कि देखें आगे पांडवों के जीवन में क्या घटित होता है। इस प्रकार इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पुनरोक्ति प्रकाश तथा रूपा रूपकात सोक्ति प्रकाश अलंकार के साथ साथ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विघ्न बचाने को, भगवान हिस्तानपुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो बाधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि महाभारत का युद्ध टालने के लिए श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आए
और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि न्यायपूर्वक आधा राज पांडवों को दे दो, और अगर उसमें भी तुम्हें कोई बाधा है तो पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो, वे उसी से संतुष्ट हो जाएंगे और अपने परिजनों से युद्ध नहीं करेंगे। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि यहां कहते हैं कि पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग कर सकुशल इंद्रप्रस्थ लौट आए थे। तब युद्ध को टालने और भीषण विनाश को रोकने के लिए श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर आए और उन्होंने सभा में दुर्योधन अर्थात कौरवों को समझाते हुए न्याय के बात करते हुए कहते हैं कि तुम पांडवों को आधा राज दे दो, या फिर उस पर भी तुम्हें कोई आपत्ति हो तो तुम पांडवों को केवल 5 ग्राम ही दे दो, वे उतने से ही संतुष्ट हो जाएंगे और अपने परिजनों पर तलवार नहीं उठाएंगे। यह युद्ध नहीं होगा, परंतु यदि तुमने यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया तो भीषण युद्ध होगा। पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जननाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध तुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। तो आइए इन पंक्तियों के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण पांडवों का संधि प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि न्याय तो यह है कि पांडवों को तुम आधा राज दे दो, परंतु यदु इसमें कुछ बाधा हो तो उन्हें केवल 5 गांव ही दे दो, वे तुमसे उससे ही संतुष्ट हो जाएंगे और अपने परिजनों के साथ युद्ध नहीं करेंगे। परंतु दुर्योधन ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और कृष्ण को बंदी बनाने की चेष्टा की। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप गौरवों की सभा में दिखाया। इन पंक्ति में इसी वितान का वर्णन है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया कि तुम अगर पांडवों को आधा गांव नहीं तो केवल 5 गांव ही दे दो, वे युद्ध नहीं करेंगे। परिणामतः दुर्योधन को समाज के आशीर्वाद उसे प्राप्त नहीं हुआ, यही ने उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का षड्यंत्र भी किया। जो कार्य असाध्य था उसे वह करना चाहता था। यह कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब व्यक्ति का विनाश होना होता है तो पहले ही उसकी बुद्धि नष्ट हो जाता है, यह दुर्योधन के साथ हुआ था। दिनकर जी अगली पंक्ति में कहते हैं कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने भीषण गर्जन करके अपना विराट स्वरूप सभा में प्रदर्शित किया। यह देखकर दिग्गज डगमगाने लगे और भगवान श्री कृष्ण क्रोधित होकर इस प्रकार कहने लगे, यदि साहस है तो जंजीर बढ़ाकर मुझे बांध ले। अरे दुर्योधन, यदि तू जरा भी साहसी है तो मुझे बंदी बनाकर दिखा। इस प्रकार इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो यहां पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अगली पंक्ति की ओर पढ़ते हैं। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल,
भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैंने नाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र दिनकर सब है मेरे मुख के अंदर। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। पांडवों के दूत बनकर गए भगवान श्री कृष्ण को जब दुर्योधन ने दुष्टता दिखाते हुए बंदी बनाना चाहा तो उन्होंने अपना विराट रूप सभा में दिखाया और कहा कि देख सब कुछ मुझ में समाया हुआ है। इस अवतरण में श्री कृष्ण के इसी विराट रूप का चित्रण किया गया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण कहते हैं, देख यह आकाश, यह पवन और यह संपूर्ण ध्वनिया मेरे अंदर ही समाई हुई है। सच तो यह है कि यह संपूर्ण संसार मुझ में ही समाया हुआ है। अमरता मेरे भीतर विद्यमान है और मैं ही सबका संहार करता हूं। देख उद्याचल पर्वत अर्थात सूर्य मेरा चमकता हुआ ललाट है। यह विशाल भूखंड मेरा वक्ष है। भुजाओं का विशाल घेरा सबको अपने भीतर समेटे हुए है। सुमेरु और मैनाक पर्वत मेरे दो चरण हैं। तुम्हें जो आकाश में नक्षत्र ग्रह चमकते दिखाई पड़ते हैं वे सब मेरे में ही चमकते हैं। यह चमकदार नक्षत्र ग्रह मेरे मुख में समाये हुए हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ सरल सुबोध प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचल जीव जग छर अछर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शत कोटि सूर्य शत कोटि चंद्र शत कोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शत कोटि विष्णु जलपति धनेश, शत कोटि रुद्र शत कोटि काल, शत कोटि दंडर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। दुर्योधन ने जब पांडव के दूत बनकर आए कृष्ण को बंदी बनाना चाहा तो उन्होंने सभा में अपना विराट रूप प्रस्तुत किया और दुर्योधन को चुनौती दी कि अब उन्हें बांध कर दिखाए। इस अवतरण में इसी वृतांत का वर्णन हुआ है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या। इन पंक्तियों में विराट रूप दिखाते हुए भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे मूर्ख दुर्योधन, यदि तेरे पास आंखें हो तो देख मुझ में सारा संसार समाया हुआ है। यही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अंदर ही व्याप्त है। जर चेतन जितने भी जीवधारी हैं सब मेरे ही स्वरूप हैं। नाशवान अविनाशी सब मुझ में व्याप्त है। नाशवान मनुष्य और अविनाशी देवता, सैकड़ों करोड़ सूर्य चंद्र नदियां सरोवर और गर्जन करते सागर सब मेरे अंदर ही व्याप्त है। इन पंक्तियों में आगे दिनकर जी लिखते हैं कि सैकड़ों करोड़ विष्णु ब्रह्मा महेश वरुण कुबेर रुद्र काल यमराज और लोकपाल अर्थात लोगों के रक्षक मेरे भीतर ही व्याप्त है। क्या तेरे पास इतना सामर्थ्य है कि तू जंजीर बढ़ाकर इन सबको बांध सके? हाँ दुर्योधन, इन सबको बांध पाने की सामर्थ्य तुझ में नहीं है, फिर तू मुझे कैसे बंदे बना पाएगा? इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश तथा अनुप्रास अलंकार के साथ सरल सहज प्रवाहपूर्ण हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख
महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो आइए इन पंक्तों के प्रसंग की ओर पढ़ते हैं। इन पंक्तों में कवि ने श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का चित्रण किया है। तो आइए पंक्तों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए दुर्योधन से बोल ले, आकाश को मेरे केसों के रूप में जान और पैरों के नीचे पाताल को देख, मुझ में ही तुझे पृथ्वी लोक पाताल भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल दिखाई देंगे। अच्छी तरह से देख, इस संसार का सृजन मुझ में ही होता है और मुझे मेरे ही महाभारत का युद्ध होता दिखाई देगा। तू देखेगा कि पृथ्वी अर्थात रणभूमि मृत व्यक्तियों की लाशों से पटी पड़ी है। पहचानने का प्रयास कर कि तू इसमें कहां है। आगे के पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आकाश को मेरे केस जाल के रूप में देख और पैरों के नीचे पाताल देख, मेरी मुट्ठी में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल बंद है। यदि साहस हो तो मेरे इस विकराल रूप के दर्शन कर, शायद तुझे पता नहीं कि सभी प्राणी मुझसे ही और मुझ में ही जन्म पाते हैं और फिर मृत्यु के उपरांत लौट कर मुझी में समा जाते हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ सरल खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो अंत में मैं यही आशा करता हूँ कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो एवं आगे की पंक्तियों को लेकर दूसरे भाग में मैं फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।